अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर जो साजिश हुई है वो आपने की है तो भोलेनाथ की कसम, दशहरा आने तक हम आपका हर खेल खत्म कर देंगे। आपके साथ साथ देवी माँ का भी आशीर्वाद मिल गया, अब तो जीत तो हमारी ही होगी। जीत, तुम कौनो खेल में भाग ले रही हो का? खेल तो कोई और खेल रहा है भाभी, हम तो बस इस खेल को बंद करने का चाह रहे हैं। लो, जुबली जा, वहां जा करके ना हाँ। ध्यान से रख देना। हाँ माँ। हाँ। ए अंजू, इधर आ। जुबली के पापा ने साज सजावट की जिम्मेदारी बिंदिया बहू को दी थी, कहाँ है वो? अम्मा, इस सब कुछ बिंदिया ने किया है ना, अभी बस तैयार होने गई है, आती होगी। जा जा, काम कर। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा, अरे काम कर। मासी, आपको कुछ बात करनी थी मासी, और ये सब क्या है? जब से मैं यहाँ आई हूँ जी भर कर तुझसे बात ही नहीं कर पाई। कैसा है तू अबू? मैं ठीक हूँ मासी। हमसे क्या छुपा रहे रे? क्या हम जानते नहीं कि तेरी शादी तेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, जीजा जी की जिद की वजह से? तुम तो किसी और से प्यार करते हो। अब ये सब का क्या मतलब है मासी? हमें बहुत दुख है अबू, जिस वक्त तुझे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी हम उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं थे, हम हिमालय गए हुए थे साधना के लिए। अब ये सब भूल जाओ मासी, सब कुछ ठीक है। अब मेरे लिए बिंदिया ही मेरी पत्नी है। तेरे होठ कुछ कह रहे हैं और मन कुछ और, इसका मतलब जानता है अबू? ऐसा तब होता है जब मन स्थिर नहीं होता। इधर आ, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा मन स्थिर है या नहीं। इस लाल रोशनी के आगे आगे खड़े हो जाओ। सब क्या है मासी, आप जानती हैं मैं ये सब में विश्वास नहीं करता हूँ, प्लीज। किस बात पे विश्वास नहीं? हम कोई जादू टोना करने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा मन स्थिर है या नहीं। अब अपनी प्यारी मासी की इतनी सी भी बात नहीं मान सकता? आओ। इस रोशनी की तरफ देखो,
ज्वाला तीनों लोक पे माया जाला ज्वाला तीनों लोक पे माया जाला। बिंदिया अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा क्योंकि अब अभय वो करेगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। पोटली में कहाँ है? ये तो वही कलश है जो तपो माने। तपो माने तो चूड़ियां दी थी, फिर ये अलग से कंगन का है? अरे बिंदिया बहू, सजावट में और कितना समय लोगी? आई माँ जी। गजब, अब तू पूरी तरह से मेरे वश में है। मैं जो बोलूंगी वो तू करेगा। अभय, इसे पहन लो। बिंदिया तुम्हारी दुश्मन है, उसका सारा काम तुम्हें बिगाड़ना होगा। जाओ, बिंदिया जिस मूर्ति की स्थापना करने वाली है उसे तोड़ के आ। जाओ। मुख्यमंत्री के हाथों भगवान का अपमान, ये तो नहीं माफ करेगी जनता महान। शक्ति हमने अंदर कैसे आ गई?
कलश को हवा में उड़ाने के लिए तपोवन में चुंबक का इस्तेमाल किया। अभी हमने साथ एक बहुत ही अजीब बात हुई है। हम आपको बताएंगे तो आप तो हमारी बात मानेंगे ही नहीं। दूर हो जाओ मुझसे। का समय हो रहा है। जी जी बाबूजी अभी आई। अभय जी आप तनिक मदद कर देंगे? बिंदिया बाबूजी भेजे रहे, बोले रहे कि मूर्ति लाने में मदद करे तुम्हारी, बाहर सब इंतजार कर रहे, जल्दी चलो। जी मात की, गुलाम्बे मात की। अब हमारी घर की नई बहू इस अखंड ज्योत को प्रज्वलित करेगी। बहू अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नवरात्रि के 9 दिन में ये ज्योत सदैव प्रज्वलित रहे। हम ये दीप नहीं बुझने देंगे बाबूजी। हम आपको वचन देते हैं। आग को बुझाओ, कुछ तो करो। माता की चुनरी जल गई।
दूर ना कर। बच गई। ध्यान का है तुम्हारा बिंदिया? हट, तिहारों की जय हो। नई बहू बोल बोल कर दिया जलाने का, चुनरी उड़ाने का मान तो दिया, अब देखो कैसे अपशगुन हो गया। अरे देखो, नई बहू के लक्षण है ये। भगवान जी की ऐसी पूजा करते हैं क्या? अरे इनकी बहू के तो कांड ही निराले हैं, पूछो ही मत। पिछली बार गंगा जल में शराब मिला के छिड़काव करा दिया था और फिर प्रसाद में जहर मिला के खिला दिया, और अब देखो। अरे भगवान जी की पूजा पाठ में कोई आस्था है कि नहीं है इसको? पति पर इल्जाम लगा नहीं सकती बिंदिया, खुद ही बदनामी सहनी पड़ेगी। अरे हमसे तो माता रानी का ऐसा अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, आप सब बर्दाश्त करेंगे क्या? हम भी नहीं देख पाएंगे। चलो चलो भाई, सब चलो चलो चलो। अरे और है जी, आप क्या कर रही हो? अरे जो बहू ठीक से ना जोत भी ना जला सकती है जी, और चुनरी जलाने धर दी, अरे वो माता जी की सेवा 9 दिन का खाक करेगी। देख लो, नई बहू, नई बहू। बहुत बड़ी गलती की हमने, हमारी गलती है कि इसको ये जिम्मेदारी दी है। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम इस जिम्मेदारी से वंचित हो। क्या हुआ बिंदिया, तुमने माता रानी की चुनरी के साथ इतनी लापरवाही क्यों दिखाई? माता रानी की मूर्ति का ऐसा अपमान? नहीं नहीं पंडित जी, ये सब गलती से हुआ है, ये बस अभी ठीक हो जाएगा। हाँ पंडित जी, अभी सही कह रहा है, सब ठीक हो जाएगा। अभी करता हूँ पंडित जी। ये अभय सब कुछ ठीक करने की कोशिश क्यों कर रहा है? ये हमारे प्रभाव से मुक्त कैसे हो गया? इसका लॉकेट? ये कैसे हो गया? अगर ये लॉकेट नहीं पहनेगा तो हमारा इस पर कोई असर नहीं होगा। ये लॉकेट इसे वापस पहनना ही होगा। अब क्या ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं आप? अपमान तो हो चुका है। थोड़े दिन पहले आपके यहाँ जो समागम हुआ था उसमें कुछ लोग मरते मरते बचे, और आज माता रानी की चुनरी और पूजा सामग्री दोनों जला दी। ये उचित नहीं हुआ। हम आपके घर को प्रतिस्पर्धा से अलग कर रहे हैं। पंडित जी का बोले जा रहे हो? आपके घर को सरयू मंदिर की मुख्य आरती करने का सम्मान नहीं मिलेगा। अरे नहीं नहीं पंडित जी, ऐसा मत कहिए, पापा की इज्जत का सवाल है। पंडित जी का बोल रहे हैं, जरा शांत हो जाइए ना। अरे बहुत उम्मीद है पापा को इस बार जीतने की, अगर आप प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देंगे तो हम लोग की तो नाक कट जाएगी ना पंडित जी। भगवान का अपमान करने वाले के सम्मान की चिंता है आपको? इतनी ही फिक्र थी तो समझाना चाहिए था अपनी बहू को।
तुम्हारा निर्णय अंतिम है।